हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स मेक बी स्वीटी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होममेड कोन की रेसिपी। बस कुछ ही चीज़ों का यूज़ करके आप इस कोन को घर पे 10 मिनट में बना सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और अगर आपको अपना नाम चॉकलेट में लिखवाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो कोन बनाने के लिए आपको एक मिक्सर रेडी करना है। इसके लिए आपको आधा कप ले लेना है पिसी हुई शक्कर, फिर आपको इसमें 1/4 कप डाल देना है तेल, आधा कप आपको इसमें डाल देना है पानी और 1/4 चम्मच आपको इसमें डाल देना है नमक। अब 1 चम्मच आपको इसमें डाल देना है वेनिला एसेंस ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ सके। फिर सभी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है। तो सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब आपको इसमें 1 कप डाल देना है मैदा, और मैदा आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनने लगे। तो ये देखिए, हमारा जो बैटर है वो बनके अच्छे से रेडी हो गया है। पर अभी जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। जैसे हम डोसे का बैटर बनाते हैं ना, वैसे ही आपको बैटर बना के रेडी करना है। तो आपको इसमें 1/4 कप पानी और डाल देना है। तो ये देखिए, अब जो हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल एकदम पतली हो गई है। तो ये देखिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा हमारा जो बैटर है वो बनके रेडी हो गया है। तो अभी आपको इसको साइड में रख देना है। अब आपको पैन लेना है या तो डोसे वाला तवा ले लेना है, और गैस को बिल्कुल एकदम लो फ्लेम पे ऑन कर देना है। फिर आपको इसमें हल्का सा तेल लगाना है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के आपको साफ कर लेना है, जैसे हम डोसे में करते हैं। फिर आपको 1 चम्मच बैटर को एकदम पतला सा फैला देना है। अब आपको गैस का फ्लेम मीडियम पे करके इसको पकने देना है। तो जैसे डोसे की प्रोसेस होती है, वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे रिपीट करना है। जैसे ये क्रिस्पी दिखने लगे तब आपको इसको दूसरे साइड पलट के फिर से पका लेना है। तो ये देखिए, दोनों साइड से अभी अच्छे से पक चुका है। आपको इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, वरना आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम होगी। अब आपको इसको किसी भी कपड़े पे रख के इस तरह से आराम से फोल्ड करना है। तो ये देखिए, आपको इस तरह से कोन का शेप दे देना है, और थोड़ी देर के लिए नीचे साइड से इस तरह से होल्ड करना है ताकि जो शेप है वो इस तरह से बना रहे। अब आपको कोन को इसी तरह से छोड़ देना है ताकि वो और ज़्यादा हार्ड हो जाए। और बस हमारा कोन बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आपको सारे कोन बना के रेडी कर लेना है। तो इस वाले कोन को मैंने डोसा का शेप दिया था। आप जैसे चाहें वैसे इसको शेप दे सकते हैं। तो हमारे सारे कोन बनके रेडी हो गए हैं। अब आप चाहें तो इसको चॉकलेट में डिप कर सकते हैं, और ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल लगा सकते हैं या तो नट्स लगा सकते हैं। नीचे साइड भी आप चाहें तो थोड़ी सी चॉकलेट मेल्ट करके इस तरह से डाल सकते हैं, और बस हमारा जो आइसक्रीम कोन है वो बनके रेडी हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने सिर्फ 10 मिनट में घर पे कोन बना के रेडी कर लिया, वो भी इतना ज़्यादा क्रिस्पी। तो आप भी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे बिना आइसक्रीम के भी खा सकते हैं, ये तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और जिसे भी अपना नाम चॉकलेट में लिखवाना है वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम बताते रहना।